हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। ये हमारा सेशन आज है जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 8, और इसमें हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी 63वीं में जो पूछे गए प्रीलिम्स के सवाल और बीपीएससी 60 से 62वीं में पूछे गए प्रीलिम्स के सवाल। जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए इन सारे साइंस के प्रश्नों को करेंगे। हमारा जिस तरह से आपने देखा कि लेक्चर नंबर 7 हुआ, उसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर को देखा, तो प्रीवियस ईयर को पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। 4 से 5 वीडियो में हमारा पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा सेशन जैसे चल रहा था उस तरह से जनरल साइंस का सेशन चलेगा। और जैसे पता होना चाहिए कि हम लोग जनरल साइंस में लगभग 15 वीडियो करेंगे, और 15 वीडियो में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को रिसर्च कर लेंगे। साथ ही साथ ये आइडिया लगा पाएंगे कौन सा बीपीएससी प्रीलिम्स में साइंस में कौन सा चैप्टर को ज्यादा फोकस देना है और कौन सा चैप्टर को उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला जो प्रश्न आपके सामने है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज्ड इन द क्लॉक आर। देखिए, घड़ियों में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होते हैं। जैसे देखिए, घड़ी आप देख रहे हैं, ये आपको घड़ी की आपको देख पा रहे हैं डायग्राम। यहाँ पर देखिए, क्वार्ट्ज ऑसिलेटर के रूप में लगा रहता है, ठीक है। इससे एक्यूरेट टाइमिंग है, सब चीज पता चलता है, रेगुलेट करता है ओके फ्रिक्वेंसी को। अब ये जो क्वार्ट्ज ऑसिलेटर होता है, ये किस चीज का बना होता है, मतलब क्या होता है इसके अंदर? तो ये होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। तो सवाल नंबर 1 का उत्तर डी हो जाएगा। इस चीज को पढ़ लीजिए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है बहुत ज्यादा प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखता है। इससे जो घड़ी का मूवमेंट है उसको मतलब अच्छे तरीके से रेगुलेट हो पाता है, और इस चलते हम लोग एक्यूरेट टाइमिंग देख पाते हैं। और क्वार्ट्ज का इस्तेमाल रेडियो, माइक्रो प्रोसेसर हो और भी टेक्नोलॉजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओके। क्वार्ट्ज बहुत ही हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन मिनरल होता है, जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। हम चलेंगे सवाल नंबर 2 की ओर। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन इज अ कलरलेस गैस, क्या एक रंगहीन गैस है? ब्रोम सॉलिड है, क्या वो बहुत ज्यादा इनफ्लेमेबल गैस है? क्या वो रेड लिक्विड है? देखिए, ब्रोमीन की बात करेंगे, एक नॉन मेटल है और ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। और किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है, रेड लिक्विड इज द राइट आंसर। ब्रोमीन एक नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है, जो कि एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है, और ये हैलोजन एलिमेंट का मेंबर है और डीप रेड कलर का होता है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो पंजेंट ऑर्डर में से जो दुर्गंध आता है उस तरह पंजेंट होता है, एंड इरिटेटिंग टू स्किन, स्किन के लिए खतरनाक, मतलब हमारे इरिटेटिंग करता है अगर हमारे स्किन पे लग जाएगा तो, एंड आईज एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आप देख सकते हैं। चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 का आता है, गैसेज यूज्ड इन द वेल्डिंग। वेल्डिंग हम लोग करते हैं जब देखते हैं वेल्डिंग, जो दो चीजों को जोड़ने में जो मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में जो इस्तेमाल होता है वो होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस से। देखते होंगे जब भी बिल्डिंग करते होंगे तो अभी तो इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलता है, तो आप देखते होंगे बहुत सारे गैस बिल्डिंग जो आप देखते होंगे तो उसमें एक सिलेंडर होता है, तो उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है, तभी वो बिल्डिंग हो पाता है ओके। बिल्डिंग प्रोसेस है बाय विच मटेरियल्स आर जॉइंट टुगेदर बाय यूजिंग हाई हीट टू मेल्ट द पार्ट टुगेदर एंड अलाउिंग देम टू कूल कॉजिंग फ्यूजन। मीन्स कह रहा है कि दो तरह के मटेरियल इतना ज्यादा हाई हीट करता है कि गल जाता है, फिर दोनों आपस में जुड़ जाते हैं ओके। कह रहा है कि हीट आता है कहां से? आता है एक फ्लेम आता है, फ्लेम है जो इलेक्ट्रिसिटी से होता है, पावर सप्लाई से। और कह रहा है डिफरेंट गैसेज आर यूज फॉर द बिल्डिंग, जैसे कि मोस्ट कॉमन अमंग देम इज एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 4 की ओर चलेंगे। 4 नंबर सवाल कहता है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप हैव अ कोटिंग ऑफ। देखिए, जस्ते आप जानते होंगे जो जस्तीकरण होता है कोई भी लोहा के पाइपों की, वो जंग ना लगे, तो आपको पता है बहुत सिंपल है, जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जिंक का लेपिंग उस पर होता है, जिंक का लेपिंग। इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 5 की ओर चलेंगे। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज इन द रेंज। देखिए, जो स्पेक्ट्रम को हम लोग देख पाए हमारे अपने नंगे आंखों से, इट मीन्स कि हम लोग देख पाएंगे दैट, तो उसका वेवलेंथ जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। मैंने आपको पूरा स्पेक्ट्रम मैंने आपको समझाया, अल्फा बीटा गामा रेज हैं उनके मैंने बताया, विजिबल स्पेक्ट्रम को मैंने बताया, इंफ्रारेड रे के मैंने बारे में बताया है किस तरह से क्या चीजें हैं, उनका क्या क्या होगा। अब देखिए, तो ये कह रहा है कि विजिबल स्पेक्ट्रम जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पोर्शन तो पता होना चाहिए, और ये ह्यूमन आई को दिख जाता है ओके। और इसका रेंज 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम होता है, इसीलिए जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। मतलब ये आपका वाइस वर्सा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस बात को ध्यान रखिए ठीक है। तो यही आप समझ सकते हैं कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी, 430 हर्ट्ज से लेकर 750 हर्ट्ज तक होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना। हम चलेंगे सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 कहता है कि डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथ। देखिए, कह रहा है कि जो कपड़ा साफ करते हैं उसमें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट का, तो वो क्या होते हैं? बेसिकली कार्बोनेट होते हैं,
क्या वो बिसमुनथेट्स होते हैं, क्या बाई कार्बोनेट होते हैं, क्या वो सल्फोनेट्स होते हैं। देखिए जब भी डिटर्जेंट की बात करेगा तो डिटर्जेंट को हम लोग एक तरह से सर्फेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सर्फेट रिएक्टिंग एजेंट है, क्या वो सरफेस पे रिएक्ट करता है, इसलिए उसको सर्फेक्टेंट भी बोलते हैं। एंड डिटर्जेंट में जो इस्तेमाल होता है वो होता है अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सल्फोनेट इज द राइट आंसर। यहां देख सकते हैं कि हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अल्काइल बेंजीन आप देख सकते हैं सल्फोनेट है। अब यहाँ पे ठीक है, तो ये हमारा हो गया सल्फोनेट इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। द एलिमेंट एक्सक्रीटेड थ्रू ह्यूमन स्वेट, मतलब मनुष्य के पसीने से निकलने वाले तत्व कौन है। देखिए मनुष्य के पसीने से बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स निकलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम देख लें इसका तो उत्तर ई होगा, इसका उत्तर ई होगा क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें चार ऑप्शन जो देख रहे हैं। अब देखिए इसमें सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, मैग्नेशियम भी होता है, मैग्नेशियम दिख गया आपको, इसमें आयरन भी होता है, आयरन आपको दिख गया, कॉपर है, क्रोमियम है, ये सारे निकल से सारे एलिमेंट्स एक मनुष्य के पसीने से निकलता है। आपको लग रहा होगा यार हमारे पसीने से इतने सारे एलिमेंट्स निकलते हैं, तो हाँ ये सारे एलिमेंट्स आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो वो आपके बॉडी जब भी आपको स्वेट होगा तो आपको उसके थ्रू आपका निकल जाएगा। ओके चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया, हम चलेंगे सवाल नंबर, तो इसका हमारा ऑप्शन है आयरन एंड मैग्नेशियम दोनों निकलते हैं, सल्फर और जिंक नहीं निकलता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आठवां सवाल कर रहा है ब्लू विट्रोल, नीला थोथा जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं उसको बहुत बार पढ़ा चुका हूं, हरा कशिश हो, नीला थोथा हो, तो ब्लू विट्रोल जो होता है बेसिकली कॉपर सल्फेट होता है 5H2O, CuSO4 5H2O, उसको हम लोग ब्लू विट्रोल कहते हैं। लेकिन आयरन सल्फेट को बोलेंगे तो इसको बोलते हैं हरा कशिश, क्या बोलते हैं हरा कशिश, मीन्स ग्रीन विट्रोल। ये दो सवाल करिए, देखिए केमिस्ट्री में जितने भी प्रश्न आएंगे ज्यादा तो केमिकल का नेम आएगा या इस केमिकल का इस्तेमाल कहां पे होता है, इस तरह की चीजें आते हैं केमिस्ट्री के सबसे अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा टफ पोर्शन हो जाता है साइंस में। लेकिन अगर सही तरीके से चीजों को हम लोग याद रखेंगे, कुछ केमिकल्स का नाम, कुछ केमिकल का इस्तेमाल कहां पे होता है, कुछ का रासायनिक नाम, तो इजी हो जाएगा। अब बात करेंगे हम साइंस में बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी से सवाल बहुत ज्यादा आता है, तो बायोलॉजी को थोड़ा सा पकड़ रखिएगा। कुछ कुछ चैप्टर है जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही हमारा 15 दिन खत्म होगा तो मैं फिर आपको केवल वही चीज बताऊंगा कि हाउ टू स्कोर, मीन अच्छा आप स्कोर कैसे कर पाएंगे बिल्डिंग्स में। देखिए ये सवाल नंबर 8 था, तो कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्लू विट्रोल या नीला थोथा कहते हैं, इसका ब्लू कलर होने के कारण कहते हैं। और ये कह रहा है कि सोडियम सल्फेट का इस्तेमाल हम लोग डिटर्जेंट के रूप में करते हैं, यहाँ पर सोडियम सल्फेट ऑप्शन है इसलिए मैं यहाँ पे लिखा गया है, इसका इस्तेमाल डिटर्जेंट में करते हैं, और आयरन सल्फेट को हम लोग हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। ओके हम चलेंगे सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 कहता है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एटम, कोई भी परमाणु के केंद्र में स्थित होता है जो बहुत पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, घनावेशित भाग होता है, उसको क्या कहते हैं। देखिए उसको न्यूक्लियस कहते हैं, और ये जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, उसके थ्रू न्यूक्लियस की खोज हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं कि इन 1911 बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड डिस्कवर किया गया केंद्रक का, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया गया, और ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है और बहुत ही ज्यादा डेंसली कंसंट्रेटेड होता है सेंटर में, इसकी आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डेंसली कंसंट्रेटेड होता है, और इस बात ध्यान रखेगा। और यहां पर देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इज डेट ऑफ प्रोटोन, इसलिए होता है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि प्रोटॉन के कारण वो पॉजिटिव चार्ज हो पाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 10 की ओर। यहां पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। कन्वर्शन, द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, मींस कह रहा है कोई भी अगर कोई ठोस है उसको डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, मीन जैसे आप देख सकते हैं कि कोई ठोस चीज है अगर इसको हमको कन्वर्ट करना होगा, तो आप ले लीजिए एग्जांपल, तो इसको पहले क्या करेंगे आप गलाएंगे तो लिक्विड जाएगा, लिक्विड से फिर ज्यादा गलत होगा तो फिर इससे आपको गैस निकलना स्टार्ट होगा। लेकिन ये लिक्विड अवस्था में नहीं जाना है, डायरेक्टली ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इस तरह के परिवर्तन को क्या बोलते हैं, ऊध्र्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए कुछ ऐसे हैं ड्राई आइस जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, नेथलीन है, आयोडीन है, ये कुछ ऐसे मतलब आप कह सकते हैं मटेरियल हैं जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये सब्लिमेशन की प्रक्रिया जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके अब देखिए इस चीज को समझिएगा कि आपको आंसर करना है, आपको और भी आंसर करना है, और भी एग्जाम्पल की सब्लिमेशन के कुछ आपको और भी एग्जाम्पल देना है जो आपके डेली लाइफ में होता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। हम अब चलेंगे सवाल नंबर 11 की ओर। सवाल नंबर 11 कहता है इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ, देखिए हमारे शरीर में जो इंसुलिन पाया जाता है वो कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को,
कार्बोहाइड्रेट से जो शुगर है उसको वो निकालता है, ठीक है, और स्टोर करता है इन फ्यूचर यूज के लिए ग्लूकोज के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो इंसुलिन है, इस बात को ध्यान रखेगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 12 की ओर। सवाल नंबर 12 कहता है कि एंटीबायोटिक अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक की बात करेंगे। तो एंटीबायोटिक क्या कहता है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में है या कुछ भी चीजें हैं तो उसको क्या करता है कि उनके ग्रोथ को रोकता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है, उसके उनके मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसको रोक देता है। तो एंटीबायोटिक का काम है। अब उसमें आपके ऑप्शंस आप देख रहे होंगे, पेंसिलिन एंटीबायोटिक है। अब देखिए आपको जो एक सल्फाडाइजिन दिख रहा है ये भी एक एंटीबायोटिक है। अब कुछ ऐसे एंटीबायोटिक जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको यहां दिखा दूं, क्लोरामेफेनिकॉल है जो, ऑफ्लॉक्सिन है, ये सारे क्या है एंटीबायोटिक। लेकिन एस्पिरिन है और पैरासिटामोल है ये एनाल्जेसिक है, पीला नाशक जिसको बोलते हैं, पीला हरक जिसको बोलते हैं। ये हमारे शरीर में कोई अगर दर्द है तो उस दर्द को कम करेगा, तो डेट इज एस्पिरिन, या आप कह सकते हैं एस्पिरिन और पैरासिटामोल दो यहां पर आपको जो दिख रहे हैं ये दोनों आपके एनाल्जेसिक है, बट पेंसिलिन एंड सल्फाडाइजिन आर द एंटीबायोटिक। इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा क्योंकि दो उत्तर हमारे सही हो रहे हैं। हम चलेंगे सामने सवाल नंबर 13 की ओर। Which of the following is mostly carbohydrate? सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर होता है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से बना कौन है, तो राइस, चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसमें बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन होता है, इसलिए चावल खाइएगा तो उसमें फैट वैट प्रोटीन नहीं मिलेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट आपको भरपूर मिलेगा, तुरंत एनर्जी मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट है आपके चावल में, राइस में। सवाल नंबर 14 की ओर चलेंगे। 14 नंबर सवाल कहता है कि द हाईएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग, तो सबसे हाईएस्ट मेटल की बात करेगा इसके अमंग में, तो प्लेटिनम, प्लेटिनम है सबसे भारी मेटल धातु, इस पर आपको देखने को मिलता है, और सबसे कम रिएक्टिव मेटल भी आपको देखने को मिला, कौन है, प्लेटिनम। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं, सिंपल सवाल था। सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं, तो पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से देखते हैं सवाल आपको ज्यादा पूछ रहा है, तो पीरियोडिक टेबल आपका याद होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल से सवाल हमेशा पूछ रहा है। तो पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप में कौन से एलिमेंट से कौन एलिमेंट ज्यादा भारी हल्का क्या है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव, यही याद करना, यानी कि पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लिए। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या पाया जाता है ये पूछ रहा है। देखिए स्टेनलेस स्टील की बात है तो आयरन तो होगा, आयरन तो होगा, तो पहले दो ऑप्शन में आपको आयरन दिख गए, ओके, तीन ऑप्शन में आपको आयरन दिख गए, तो ऑप्शन नंबर ई तो पहले आंसर हो जाएगा, खत्म करना, आपको याद हो या ना हो लेकिन फिर भी क्या क्या होता है याद रखना। आयरन, क्रोमियम, निकेल, क्रोमियम निकेल आपको दिख गया, सिलिकॉन, मैग्नीज, नाइट्रोजन एंड कार्बन, ये सारे प्रेजेंट होते हैं स्टेनलेस स्टील में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलते हैं हम लोग आगे सवाल नंबर 16 की ओर। टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन्स, प्लास्टर होते, देखिए प्लास्टर होता है हड्डी वड्डी टूट जाएगा तो उसमें प्लास्टर क्या रहेंगे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो बेसिकली होता क्या, वो जिप्सम से बनता है। जिप्सम को जब 343 केल्विन पे जो हम लोग हीट करते हैं देन निर्माण जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट CSO4 हाफ H2O, क्योंकि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है CSO4 2H2O, अब उसको जब हीट करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O बनेगा, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। आप देख सकते हैं 373 डिग्री केल्विन पे जब इसको 373 केल्विन पे हीट करेंगे तो इसका निर्माण होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, 343 बोल रहे सॉरी, ध्यान दीजिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 17 की ओर। हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम्स आर जॉइंट, देखिए दो कार्बन एटम ज्वाइंट डबल बॉन्ड, ये आप लोगों को बहुत पढ़ा होगा 11th में 12th में, डबल बॉन्ड से जो ज्वाइन करते हैं उनको बोलते हैं एल्कीन, क्या बोलते हैं एल्कीन बोलते हैं, ओके, CnH2n आपका इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ओके, ये एल्कीन का फॉर्मूला, इससे बनाइए एल्कीन, बनाइए मिथिन, बनाइए प्रोपीन, बनाइए ब्यूटीन, बनाइए आगे बढ़ते जाइएगा। तो ये कलरलेस होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, कम विजिबल्स होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये हो गया, हम चलेंगे आगे सवाल नंबर 18 की ओर। द केमिकल नेम ऑफ विनेगर, विनेगर का इस्तेमाल बहुत जगह होता है, सिरका का इस्तेमाल बहुत जगह होता है, आप देखते होंगे बेसिकली कभी चौबीन उबीन खाते होंगे तो वहां पे चौबीन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, विनेगर का छिटता है। तो विनेगर एसेटिक एसिड होता है, क्या होता है एसेटिक एसिड होता है, ओके, इसमें देख सकते हैं डायल्यूटेड एसेटिक एसिड होता है जिसमें 5 से 8% एसेटिक एसिड पाया जाता है, जितना भी उसका अमाउंट रहेगा। फॉर्मूला एसेटिक एसिड का देख सकते CH3COH, ओके, हम चलेंगे सवाल नंबर 19 की ओर। कार के बैटरी में कौन सा एसिड का इस्तेमाल करते हैं, देखिए एसिड का सवाल पूछा ना बार बार, तो कार के बैटरी में इस्तेमाल करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलेंगे सवाल नंबर 20 की ओर। सोडा आपने देखा होगा, सोडा पीते होंगे तो उसमें बोतल खोलते तो गैस निकलता है, तो वो कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्या होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बहुत सिंपल सवाल है सारे,
इस चीज को समझ सकते हैं कि जब भी सोडा बोतल खोलेंगे तो CO2 आपका निकलेगा। इसमें कौन सा मैच नहीं है सही से, देखिए ऑरेंज में विटामिन B1 पाया जाता है, कोड लीवर जो फिश होता है, फिश से निकलता है, कोड फिश के लीवर से निकलता है जो ऑयल, उसमें विटामिन डी होता है, बीट जम ऑयल में विटामिन ई होता है, अल्फा अल्फा में भी आपको विटामिन के मिलेगा, एक तरह का प्लांट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ऑरेंज में आपको फाइबर मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, विटामिन B1 मिलेगा और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाएगा, कोड लीवर में विटामिन ए मिलेगा, रेटिनॉल और विटामिन डी मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिए। विट जम ऑयल में भी आपको विटामिन ई बहुत मात्रा में मिलता है, और अल्फा अल्फा एक तरह का प्लांट है जिसमें आपको विटामिन के मिलता है, सारे तो सही थे ना, सारे सही थे। 22 नंबर सवाल, टेफ्लॉन जो है एक पॉलीमर है, किस मोनोमर का, किस मोनोमर का टेफ्लॉन है जो बहुलक, इस बात को ध्यान बताना आपको। तो टेफ्लॉन जो है टेट्रा फ्लोरो इथिलीन से बना है, टेट्रा फ्लोरो इथिलीन से बना है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के बर्तन होते हैं बहुत सारे, जो नॉनस्टिक बर्तन होते हैं उसमें हम लोग टेफ्लॉन का परत उसमें चढ़ा रहता है, तो टेफ्लॉन जो है एक तरह का पॉलीमर है ऑफ टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है क्रोजिव रिएजेंसी, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 23 के, जो द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटी कैरेक्टर ऑफ द लिविंग सेल, करा है कि जो भी आपके जिंदा सेल होते हैं, सॉरी लिविंग सेल, जीवित कोशिका होते हैं, उसके हेरिडिटरी कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, मींस कि वंशानुगत लक्षणों को इस को सेल से उस सेल में पहुंचाएगा, तो डीएनए का काम, किसका काम है, वो डीएनए का काम है। तो डीएनए इज द राइट आंसर, सिंपल है, डीएनए का फॉर्मूला पता है, सॉरी फुल फॉर्म पता है आपको, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए को बोलते हैं। डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। और हमारे सेल में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारे ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर क्रोमोजोम मिसिंग से एक्स क्रोमोजोम मिसिंग है, बाई क्रोमोजोम मिसिंग है, ज्यादा क्रोमोजोम आ जाता है, तो कौन कौन सा आपको सिंड्रोम होता है, मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो जरूर देखिएगा, उसको नोट डाउन करके रखें क्योंकि सवाल उससे आता है। चलेंगे सवाल नंबर 24 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज एर्गोकैल्सिफेरॉल, एल्गो कैल्सिफेरॉल की बात करा, वो विटामिन D2 है, कौन है, विटामिन D2 को हम एल्गो कैल्सिफेरॉल के रूप में जानते हैं, ओके। विटामिन B12 तो पता है, साइनोकोबालामाइन जिसको बोलते हैं विटामिन B12 को, ठीक है, या कोबालामाइन भी बोलते हैं विटामिन B12 को, ओके। तो विटामिन B6 को हम लोग पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, विटामिन D3 को हम लोग देख सकते हैं कोले कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, लेकिन यहां पूछा एर्गो कैल्सिफेरॉल, तो वो हमारा विटामिन D2 को बोलते हैं, ओके। अब कुछ ऐसे विटामिन है और उसके सामने नाम है, केमिकल नाम, ये फॉर्मूला याद नहीं रखे कोई जरूरत नहीं, लेकिन नाम जरूर याद रखे, पूरा नाम याद रखे, पूरा विटामिन के पी तक आप याद रखे, क्योंकि सवाल बहुत बार पूछा बहुत सारे एग्जाम में। विटामिन B3 नियासिन है, विटामिन B5 पैंथोसैनिक एसिड है, ओके, B6 पायरोडॉक्सिन जस्ट बताया अभी, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B12 कोबाल्ट से आपको याद रखना है, सी तो आपको सबको पता है एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे और बार बार रिपीटेड होते हैं हमेशा। तो अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल, हमारा 25 नंबर सवाल है, 25 नंबर सवाल कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसे मिलाना है। देखिए एक तरफ आपके विटामिन विटामिन का नाम है, ओके, उनका रासायनिक नाम, और इधर कुछ बीमारी है, डिजीज है, तो आपको आंसर करना है। देखिए रेटिनॉल विटामिन ए को बोलते हैं, अगर विटामिन ए की कमी रहेगा तो जिरोप्थैल्मिया हो सकता है, और जिरोप्थैल्मिया जो डिजीज है वो एक आंख का बीमारी है, तो विटामिन ये सही है। एर्गो कैल्सिफेरॉल, कैल्सियम कमी से रिकेट्स होगा, विटामिन D2 को बोलते हैं एल्गे कैल्सिफेरॉल, एर्गो कैल्सिफेरॉल जस्ट वही बताया था ना, तो ये हमारा सही होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे साइनोकोबालामीन का बात करेंगे तो विटामिन B12 को कहते हैं, और विटामिन B12 अगर एनीमिया हमको हुआ रहेगा, और इस अगर B12 को हम लेंगे तो एनीमिया में बहुत ज्यादा हमें हेल्प करेगा इस एनीमिया के ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो साइनोकोबालामीन है वो एक मैनमेड विटामिन है, विटामिन B12 कंप्लीट हो गया। लेकिन टोकोफेरॉल विटामिन ई को बोलते हैं, लेकिन बेरी बेरी विटामिन बी से होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है जो यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। टोकोफेरॉल है जो विटामिन टोकोफेरॉल विटामिन ई का है, और बेरी बेरी विटामिन ई से नहीं होता है, विटामिन बी से होता है, बी के कारण होता है, ओके। बेकेलाइट एक तरह का पॉलीमर है, और वो कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है, वो फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएंगे, संग्रहण करवाएंगे, तो जो फॉर्मेशन होगा पॉलीमर का वो होगा बेकेलाइट,
तो वीकेलाइट, ये मैंने बहुत बार बताया है, ये सवाल यहाँ पे रिपीट इसीलिए हुआ क्योंकि हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, पहले हम लोग मिक्स साइंस का सवाल कर रहे थे लेकिन अब प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो ये सवाल रिपीट हुआ। मैंने वीकेलाइट के बारे में बहुत बार बताया है तो ये आंसर गलत होना ही नहीं चाहिए। सवाल नंबर 27 की ओर चलेंगे। एंटीबायोटिक ड्रग कौन कौन है? देखिए एंटीबायोटिक ड्रग की बात करेंगे, अभी मैंने जस्ट बताया कि क्लोरामिनफेनिकॉल जो है, ठीक है, क्लोरोफेनिकॉल जो है, ठीक है, क्लोरामिनफेनिकॉल जो है ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है, अभी जस्ट मैंने बताया था। लेकिन एस्पिरिन है, पैरासिटामोल है, तेज आरदा एनाल्जेसिक मींस की दर्द निवारक दवा है, क्लोरामिनफेनिसोल हो जाए, सल्फाडाइजिन हो जाए, पेनिसिलिन हो जाए, ये सारे क्या है, एंटीबायोटिक ड्रग है। ओके, लेकिन ये सल्फाडाइजिन नहीं है, सल्फागोनाडाइन लिखा गया तो ये हमारा होगा ही नहीं, क्विनाइन होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। देखिए देख सकते हैं एंटीबायोटिक कौन कौन है, पेनिसिलिन, क्लोरामिनफेनिकॉल, ऑफ्लॉक्सिन, सल्फाडाइजिन। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है ये सारे दवा का नाम में। चलिए सवाल नंबर 28 की ओर। सवाल नंबर 28 कह रहा है कि इसको मिलाना है। ओके, अब देख सकते हैं कि एस्पार्टेम है, फ्रियोन, फ्रियोन सबको पता है कि रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करते हैं। ओके, फ्रियोन का इस्तेमाल हम लोग रेफ्रिजरेटर में करते हैं, तो बी का फोर दो में है, ये ऑप्शन तो देखना ही नहीं है। ओके, अब आपके सामने है नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या है? एक सिंथेटिक रबड़ है। क्या एक सिंथेटिक रबड़ है? सी का उत्तर ए, दोनों में आ गया। अब आपके सामने मतलब जो सवाल आ गया, अब यहाँ पे आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात कर रहा है। देखिए तो आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात करेगा तो वह है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह काम करता है, इस बात को ध्यान देखिए। एस्पार्टेम जो बहुत ज्यादा एक तरह के हम कृत्रिम चीनी के रूप में, स्वीटनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो एक केन शुगर से 100 गुना ज्यादा वो मीठा होता है। ओके, इस बात ध्यान रखिएगा। तो एस्पार्टेम जो हो गया वो आर्टिफिशियल स्वीटनर हो गया, तो 1 का 3 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम सवाल नंबर 29 की ओर। सवाल नंबर 29 कह रहा है कि मैच, ये भी मैच ही करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग, अल्ट्रावायलेट लाइट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमें ओजोन में छिद्र हो जाएंगे, ठीक है, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ओजोन में छिद्र हो जाएगा। ओके, अल्ट्रावायलेट लाइट अगर हमारा आना हो, अगर डायरेक्टली हमारे अर्थ पे आएगा तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। ए का टू और हमारा D का 1। ए का टू आपको यहां दिख रहा है, डी का वन यहां आपको दिख रहा है, ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं, आंसर सही। नॉइज पर ज्यादा डेसिबल का साउंड सुनेंगे तो नॉइज पॉल्यूशन होगा, ज्यादा डेसिबल में साउंड बजेगी तो, और ग्लोबल वार्मिंग तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, तो हमारा ये हमारा आंसर होगा 29 का उत्तर। ओके, अब सवाल नंबर 30 की ओर चलेंगे। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या एक फैट है, क्या एक विटामिन है, क्या एक कार्बोहाइड्रेट है, क्या एक प्रोटीन है? देखिए अगर इंसुलिन की बात करें, एक तरह का प्रोटीन है। हालांकि इंसुलिन का जो इस्तेमाल जो होता है इंसुलिन, वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल किया था। कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म में जो हेल्पफुल है वो है आपका इंसुलिन। इंसुलिन शुगर को कार्बोहाइड्रेट से लेता है और स्टोर करता है, बट लेकिन इंसुलिन एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन होता है, एक तरह का प्रोटीन हार्मोन है। क्या? एक तरह का प्रोटीन हार्मोन है, इस बात को ध्यान दिया, ठीक है, तो प्रोटीन हो जाएगा। 31st नंबर सवाल कर रहा है कि द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम द वनस्पति ऑयल। वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी जो बनाया जाता है उसमें कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं? देखिए वनस्पति घी से वनस्पति ऑयल को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन गैस का। किसका? हाइड्रोजन गैस का। हम लोग वनस्पति ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वनस्पति घी मैन्युफैक्चर होता है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 32 की बात करेंगे। सवाल नंबर 32 कहता है कि एलपीजी यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल चीफली कंटेंट, सबसे प्रमुख रूप से क्या उसमें होता है? देखिए अगर हम बात करेंगे एलपीजी में आपको ब्यूटेन भी होते हैं, प्रोपेन होते हैं, आइसोब्यूटेन होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। लेकिन जो जो इस सवाल को पूछा गया बीपीएससी में, तो बीपीएससी ने उत्तर क्या दिया? ब्यूटेन। ब्यूटेन की जो मात्रा होती है ना वो प्रोपेन से ज्यादा होती है। ब्यूटेन की मात्रा एलपीजी जो हम लोग डोमेस्टिक में इस्तेमाल करते हैं घरेलू यूज में, एलपीजी की सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उसमें आपका ब्यूटेन की मात्रा ज्यादा होती है, तो ऑप्शन ए को सही माना। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ई यहां पे होगा क्योंकि ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों पाए जाते हैं, चिफली मुख्य रूप से शामिल है। ओके, इस बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 33 की बात करेंगे, सोप रिमूव ग्रीस बाय, साबुन जो है वो ग्रीस को किस तरह हटाता है? ओके, तो
कह रहा कि एन एमल्सीफायर इज कैपेबल ऑफ डिस्पर्सिंग वन लिक्विड इनटू अनदर इमिसिबल लिक्विड। एमल्सीफायर कैपेबल होता है एक लिक्विड को दूसरे इमिसिबल लिक्विड से डिस्पर्स करने के लिए। सोप का इस्तेमाल हम लोग क्लीनिंग पर्पस के लिए करते हैं, जो सोडियम और पोटेशियम साल्ट का लॉन्ग चेन फैटी एसिड रहता है। ओके, अब देखते हैं स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, पैलमिटिक एसिड सारे सोप में इस्तेमाल होते हैं। ओके, सोप के बारे में पता है कि सल्फेट एक्टिव एजेंट है, ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, लेकिन यहां पे कह रहा है कि ग्रीस जो साबुन हम लोग लगाते हैं, ग्रीस व्रीस को हटाते हैं तो कैसे हटता है, तो वो जो तरीका है वो है इमल्सिफिकेशन का। मैंने जस्ट बताया कि दो लिक्विड से एक लिक्विड से डिस्पर्स करने की बात करें, कोई इमल्सिफिकल वो जो जल्दी देखते हो जल्दी छूटता नहीं है, कुछ कुछ ऐसे आप देखते हैं घी आपका हाथ में लग जाए तो जल्दी छूटेगा नहीं, लेकिन आप साबुन लगाते छूट जाता है, तो वो इस तरह की इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है, ओके, अब देखिए कोलाइडल पार्टिकल को सेटलिंग करने के प्रोसेस को, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन से उसको बोलते हैं कोगुलेशन। एडजॉर्प्शन की बात करेंगे तो एडेशन ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल फ्रॉम अ गैस। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी कोई सरफेस पे है इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑस्मोसिस तो पता ही है कि जब भी सोलवेंट, जब भी कोई मॉलिक्यूल का सोलवेंट है, ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से लेस कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन से मोर कंसेंट्रेटेड, मतलब कि लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से अगर वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड की ओर जाता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM, देन इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। 34 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले अ रोल इन द डिजीज ऑफ रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। जो मेमरी ग्लैंड जो पाए जाते हैं बेसिकली स्तनधारियों में, तो जो मेमरी ग्लैंड जो मैमल्स में पाए जाते हैं उनसे जो दूध निकलता है, तो उस दूध को कौन सा हार्मोन है जो रिलीज करने का काम करता है, तो उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो कभी देखते होंगे कि जो गाय है वो दूध अगर नहीं देती है तो उनमें ऑक्सीटोसिन इसका सुई डाला जाता है, ठीक है, इसका सुई लगाया जाता है गाय को, तब वो दूध को रिलीज करती है। ओके, इस बात को कहेंगे तो ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर। ओके, 35 नंबर सवाल कहता है इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए कहां पे स्टोर होता है। तो विटामिन ए जो स्टोर होता है वो लीवर में होता है। कहां पे होता है? लीवर में होता है विटामिन ए स्टोर। इस बात को विटामिन ए रेटिनॉल, और इससे नहीं होगा तो अगर विटामिन ए की कमी होगा तो क्या हो जाएगा आपको बीमारी, जिन्हें अभी जस्ट में बताया जीरोथैल्मिया हो गया। ओके, आपका जो भी आंख वाली बीमारी है सारे विटामिन ए के कारण हो जाएगा। 36 नंबर सवाल कहता है कि कौन सा विटामिन है जो एंटीडोट के रूप में इस्तेमाल होता है एंटीकोगुलेंट पॉइजन के लिए। कोई भी पॉइजन के लिए कौन सा विटामिन है जो एंटीडोट के रूप में इस्तेमाल होता है, मतलब एंटीकोगुलेंट की बात कर दिया ना, कि ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को रोक देता है, हमारे शरीर में खून जमेगा ही नहीं, बाहर निकला तो खून जमी नहीं रहा, निकल रहा ऑटोमेटिक, तो उसमें वो विटामिन हेल्प करता है। तो विटामिन के हेल्प करेगा, दैट इज बहुत सिंपल सवाल है, विटामिन के हेल्प करेगा, कैल्शियम हेल्प करेगा। ये भी पूछा सवाल कि कौन सा जो मेटल या मेटल है या कौन सा एलिमेंट है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो आपका विटामिन सॉरी वो आपका कैल्शियम है, ये सवाल पूछा गया इस वक्त। ओके, बिहार से 37 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 37 नंबर सवाल कहता है कि आयोडाइज साल्ट में क्या होता है। ओके, देखिए आयोडाइज साल्ट आयोडीन युक्त नमक जो होते हैं उसमें अगर हम बात करेंगे उसमें आपका पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है। देखिए कह रहा है इसमें चार कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, पोटेशियम आयोडेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, सोडियम आयोडेट है, सोडियम आयोडाइड है, ये सारे आपके आयोडाइड साल्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कैल्शियम नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, फ्री आयोडीन होगा, तो पोटेशियम आयोडाइड कह दे या पोटेशियम आयोडेट कह दे, सोडियम पोटेशियम दोनों का इस्तेमाल होता है इन आयोडाइड साल्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, और आयोडीन नेसेसरी है फॉर द थायराइड ग्लैंड, क्योंकि थायरोक्सिन को बनाने में निर्माण करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 38 के चलेंगे। 38 में सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन द मैक्सिमम इन एसिड रेन। एसिड जो रेन होता है, जो अम्ल वर्षा होता है, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया, तो उसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाएगा, सिंपली है। ओके, H2SO4। देखिए एसिड रेन रेफर टू रेनफॉल विथ एलिवेटेड लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का ज्यादा मात्रा में बारिश होना एसिड रेन कहलाता है। उसका जो पीएच वैल्यू होता है 5.6 होता है, 7 से कम जाएगा पीएच वैल्यू तो एसिडिक हो जाएगा, 7 से ऊपर जाएगा पीएच वैल्यू तो आपका बेसिक हो जाएगा, और 7 में रहेगा तो वाटर चाहे तो न्यूट्रल में रहेगा, ये तो पता होना चाहिए। ओके, अब देखिए ये सारी चीजें हैं कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिएक्ट विद वाटर ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड, देन दे मिक्स विद वाटर एंड अदर मटेरियल बिफोर फॉर्म, मतलब कि
मतलब बरसात होने से पहले ये मिल जाते हैं, तो H2SO4 की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। HNO3 भी होता है लेकिन H2SO4 की मात्रा ज्यादा होती है। गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल की बात करेंगे तो उसको हम लोग हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन को हम लोग गॉड पार्टिकल बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो जो फिजिक्स थे पीटर हिग्स, उन्होंने इसको गॉड पार्टिकल के रूप में बोला। अब बोलता है कि जितने भी यूनिवर्स का जो पूरा मास है वो हिग्स बोसोन के कारण ही है। हिग्स बोसोन इज रिस्पॉन्सिबल ऑल द मास इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितने भी द्रव्यमान है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हिग्स बोसोन पार्टिकल, उसको इसलिए गॉड पार्टिकल बोला गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 14 पर चलेंगे, कौन सा रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया में। देखिए कैंसर के रूप में अगर आप बात करें, कैंसर के इलाज में जो हेल्प होता है आइसोटोप का, वो कोबाल्ट 16 का इस्तेमाल करते हैं, कोबाल्ट 16 का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आयोडीन 131 का इस्तेमाल करते हैं थायराइड कैंसर के लिए, ओके। सोडियम 24 का बात कर रहा है कि ब्लड में अगर हम डालेंगे तो ब्लड की जो क्लॉट का जो पोजीशन है ब्लड क्लॉटिंग का, उसको डिटेक्ट करने में काम कर रहा है सोडियम 24। फास्फोरस 32 का इस्तेमाल करते हैं ब्रेन ट्यूमर में, आयोडीन 131 तो थायराइड कैंसर, कोबाल्ट 16 ब्लड कैंसर, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 42 कहता है कि ह्यूमिडिटी को मेजर कौन करते हैं, ह्यूमिडिटी को मेजर करने की बात कर रहा है, आर्द्रता की बात कर रहा है, तो हमारा उत्तर होगा हाइग्रोमीटर। क्या होगा, हाइग्रोमीटर इज द राइट आंसर। लेकिन हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बात करेगा, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापता है, पायरोमीटर जो है आपका टेम्परेचर को मापता है। तो 42 नंबर सवाल का उत्तर बी इज द राइट आंसर, ओके। देखिए ह्यूमिडिटी जो है वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके यहाँ पे लिखा गया है। 41 नंबर सवाल, सॉरी ये तो सवाल हमने पिछले सेशन में करवाया था आई थिंक ना, हाँ तो ये हमारा सवाल आई थिंक हो चुका था। चलिए तो 40 सवाल हम लोगों ने किया, जो कि हमारा दो पेपर जो हुआ है बीपीएससी प्रीलिम्स में, हमने बताया कौन कौन सा, ओके। उस दोनों पेपर का हमने 63वीं का और 60 से लेकर 68वीं का, इसका दोनों का हम लोगों ने आज साइंस का सवाल को देख लिया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा वीडियो आएगा, आपको पता होने सैटरडे संडे और वेंसडे, ये तीन दिन हमारा वीडियो जो आता है वो साइंस का वीडियो आता है, और बाकी मंडे टू फ्राइडे पूरे दिन आपको जीएस के जो मैंने भाई मैं करवा रहा हूँ पूरा हिस्ट्री पॉलिटी सारे का आपका वो वीडियो आता है मंडे टू फ्राइडे। ये टाइमिंग फिक्स है, ये वीडियो आपको सैटरडे संडे को मिल जाएगा और वेंसडे को मिल जाएगा पूरे 10 बजे, ओके इस बात ध्यान रखिएगा। और मंडे टू फ्राइडे जो वीडियो आपको मिलता है ये मिलता है पूरे 9 बजे, इस चीज के लिए आपको डेली तैयार रहना, मैं जब भी आपको वीडियो आता है इसका फिक्स टाइमिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करिएगा, ये मुझे बार बार मुझे बोलना बोलना नहीं चाहिए लेकिन आपको ये करना चाहिए, ओके। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।